जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और जो आपके क्वेश्चन है उनके भी आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक ही है कि आपके रिजल्ट को लेकर, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो बीसीए वाले बच्चे परेशान हैं कि हमारा जो बीसीए का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। अब जो हमारे एग्जाम हुए थे वो फरवरी में एग्जाम हुए थे और उनका रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया है, परेशान होने वाली बात भी है। बाकी जो सभी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप देखा जाए तो वो भी सब इसी तरीके का उनका हाल चल रहा है। एक एकेटीयू को छोड़कर यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी जो है उसका थोड़ा सा सही है, वो टाइम टू टाइम चीजों को करती है, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है उनके रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं बाकी कोर्सेज के, लेकिन जो बीसीए का रिजल्ट है उसमें किसी भी सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये अनुमान ये लगाया जा रहा था पिछले एक महीने से कि अब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि रिजल्ट जो है आपका बहुत जल्द आने में है, हो सकता है जो आपका एक से दो दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो साथियों, उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। अब जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बहुत जल्द रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इस वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, उम्मीद यही है। आगे बात करते हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं अपने जो एडमिशन को लेकर, नए सत्र के जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होंगे। काफी सारे बच्चों के निरंतर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो नए सत्र के रजिस्ट्रेशन है वो भी बहुत जल्द ओपन किए जाएंगे। अभी तक वेट किया जा रहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाए यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, यानी कि जो बोर्ड के रिजल्ट है वो आ जाए यूजी के लिए, और पीजी के लिए जो हमारे यूजी के एग्जाम चल रहे हैं उसके बाद में। तो आपका जो पोर्टल है वो आपके अगस्त में दोनों के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। अब सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरीके से होते हैं, तो एडमिशन जो होते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, चार पांच कोर्सेज को छोड़कर बाकी सभी कोर्सेज में मेरिट के बेस पे एडमिशन कराए जाते हैं। बाकी यानी कि चार से पांच कोर्सेज हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, बाकी सभी के लिए मेरिट के बेस पे एडमिशन कराया जाता है। आगे बात करते हैं जो आपका एलएलबी के एग्जाम होने हैं, या हम ये कहें लॉ के एग्जाम, उसमें आपका एलएलबी भी आता है, बीएएलएलबी भी आता है और एलएलएम भी आता है। तो लॉ के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ के एग्जाम के लिए कि एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन किस तरीके से रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से आपको देने हैं, तो उसके लिए मैंने कल सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो यदि आपको भी लॉ के एग्जाम देने हैं तो उस वीडियो को आज जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको हो सकता है फिर आप उसको पछताएंगे कि सर हमने वीडियो नहीं देख पाए थे। तो होगा क्या कि आपको यदि ऑनलाइन एग्जाम देना है तो उसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, तो आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम ना देके फिर ऑफलाइन एग्जाम दें। अभी भी ऑप्शन सेलेक्ट करने का टाइम है, आप जो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन का वो आपका 23 तारीख तक कर सकते हैं, यानी कि कल तक आप कर सकते हैं, कल शाम 5 बजे जो है वो लिंक बंद हो जाएगा। तो कल शाम 5 बजे तक आप अपना यदि ऑनलाइन सेलेक्ट किया था आप उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी आप अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप जाकर इससे जस्ट पहली वाली वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है जो डीएलएड कोर्स है, डीएलएड के लिए भी आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 20 तारीख से डीएलएड के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो यदि आप भी डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसकी जो 10 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, यानी कि आवेदन की 10 अगस्त लास्ट डेट है। तो यदि आप भी डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में आपका मेरिट के बेस में डीएलएड में एडमिशन कराए जाते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।